नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। बलरामपुर पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है और साथ ही आला खतला बरामद कर लिया है। बता दें कि बीते 25 दिसंबर को सेसी तुलसीपुर में 108 नंबर एम्बुलेंस द्वारा मृतक मनीराम उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जद्दापुर थाना तुलसीपुर को लाया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम के लिए भेज दिया गया था तथा मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर अपराधियों का तलाश किया जा रहा था। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी द्वारा गांव के ही धनीराम से 3 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना भी इन्हीं के अभियुक्तों को ध्यान में रखकर किया जा रहा था, परंतु विवेचना के दौरान व सर्विलांस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को पता चला कि इस हत्याकांड में कुछ और लोग शामिल है। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए सूर्यप्रकाश व पप्पू गुप्ता, जो क्रमशः तुलसीपुर व ललिया थाना क्षेत्र के निवासी थे, उन्हें आज सुबह मुखबिर की सूचना पर जरवा रोड स्थित मनकौरा कानूनगो तिराया के पास गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस की नजर से बचते हुए पड़ोसी देश नेपाल भागने की फिराक में थे। क्या कुछ कहा हेमंत कुटियाल SP बलरामपुर ने, आपको सुनवाते हैं। तुलसीपुर CAC में एक मनीराम वर्मा जो थे वो भर्ती कराए गए, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार ने एप्लीकेशन दी थी कि रात में जब वो सो रहे थे तो वहाँ पे किसी ने उनकी हत्या कर दी। इस पे थाने पे एक मुकदमा दर्ज किया गया, उनके घर वालों ने कुछ लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें धनीराम और 3 लोग का नाम उसमें उन्होंने नामजद किया था। विवेचना इसमें बहुत अच्छी हुई है और बहुत त्वरित गति से विवेचना करके इसमें इंटेलिजेंस करके निकाला गया कि जो इसमें मेन अपराधी थे वो उनके ही पड़ोसी सूर्य प्रकाश और पप्पू, जो कि सूर्य प्रकाश के हत्या में इन्होंने सहयोग किया और इन्होंने प्लानिंग बनाई इकोना में प्लानिंग करके इन्होंने बलरामपुर शहर से ही क्या कहते हैं हथियार खरीदने के बाद रात में उसके घर में गए। पप्पू जो था वो वेट कर रहा था पीछे, और जो सूर्य प्रकाश है ये वहाँ पर जब वो अकेला वो बाहर सो रहा था मनीराम, तो उस पर सर पे प्रहार करके गड़ासे से उसकी हत्या कर दी। और ये हत्या करने के बाद ये लोग दिल्ली भाग गए। दिल्ली से भागते जब इनको थोड़ा सा आभास लगा कि हो सकता है कि यहाँ पकड़े जाएंगे, फिर उन्होंने वापस आके बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाने का प्रयास किया। और ये पूरे प्रकरण में लगातार पुलिस इनके पीछे थी और इनको यहाँ नेपाल जाने से पहले यहाँ गिरफ्तार किया गया है। और इसमें बहुत अच्छी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। सूर्य प्रकाश और पप्पू को आला कतल के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसमें टोटली ये सही मुलजिम है और इनको जेल भेजा जा रहा है। तो स्वाट और सर्विलांस की स्पेशली ये कहते हैं अच्छी कार्रवाई की गई है।